हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। सो दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है महिंद्रा की तरफ से आने वाली महिंद्रा बोलेरो नियो की। दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको नॉर्मल की है, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों, पहले इस गाड़ी का नाम था महिंद्रा TUV 300 एंड उसके बाद कंपनी ने इसका नाम चेंज करके महिंद्रा बोलेरो नियो रख दिया है। सो दोस्तों, बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। ये जो आप अभी वेरियंट देख रहे हैं, ये है आपका N4 यानी बेस मॉडल। ये गाड़ी आपको दोस्तों टोटल 3 वेरिएंट में देखने को मिल जाती है, N4, N6 एंड N10 ऑप्शनल या N10 भी आपको मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, प्राइस रेंज की बात करते हैं इस गाड़ी की, तो ये आपकी स्टार्ट होती है 9.63 लाख से एंड टॉप मॉडल जाएगा आपका 12.11 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। सो दोस्तों, पर्टिकुलर वेरियंट जो भी आप देख रहे हैं, ये है आपका बोलेरो नियो N4 यानी बेस मॉडल है। एंड इसके अगर प्राइस की बात करते हैं दोस्तों एक्स शोरूम, तो ये आपको पड़ जाती है 9.63 लाख रुपीज़। बोलेरो नियो दोस्तों आपको सिर्फ 7 सीटर वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। एंड इसमें आपको एक ही डीजल इंजन देखने को मिलता है एंड आपको इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको ये 6 सीटर वेरिएंट में अवेलेबल रहेगी। बोलेरो नियो की दोस्तों अगर फ्रंट की बात करते हैं, तो काफ़ी ब्रॉड आपको फ्रंट देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों आपको बीच में नया वाला महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड अगर ग्रिल की बात करते हैं दोस्तों, तो वो आपको मिल जाती है ग्लॉसी ब्लैक में। वहीं दोस्तों हेडलाइट हटवा आपको मिल जाएगा हेलोजन बल्ब के साथ। एंड दोस्तों जो आपका पार्किंग प्लस टर्न इंडिकेटर है, वो भी आपको हेलोजन में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ नीचे आपको कोई भी फॉग लैंप की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो आपको 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस कंपनी ऑफर करती है, जो कि अच्छा खासा ग्राउंड क्लीयरेंस माना जाता है। साइड की बात करते हैं दोस्तों, तो उसकी लेंथ आपको देखने को मिल जाती है 3995 mm। वहीं दोस्तों जो फ्रंट का टायर साइज आपको कंपनी ऑफर करती है, वो आपको 215/75 R15 का टायर साइज विद स्टील व्हील रिम एंड फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। एंड व्हील कैप भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को नहीं मिलेगी, बट आपको ये ब्लैक स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी दोस्तों। वहीं मिरर की बात करते हैं, तो ये आपको ऑटो फोल्डेबल नहीं मिलते हैं, आपको हाथ से ही इन्हें फोल्ड करना पड़ेगा। इनका साइज़ दोस्तों काफ़ी बड़ा है। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको कोई भी रूफ रेल्स देखने को नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं, तो आपको इसमें फुट रेस्ट भी देखने को नहीं मिलता है। बोलेरो नियो की बैक प्रोफाइल दोस्तों काफ़ी शानदार है। हाइट की बात करें तो 1817 mm की हाइट। वहीं दोस्तों आपको बोलेरो नियो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों साथ में ही आपको जो मिलता है स्टेपनी व्हील, उसमें आपको व्हील कवर देखने को मिलता है, व्हील कैप। साथ में आपको टायर साइज मिलेगा 215/75 R15 का टायर साइज, सेम साइज। एंड मिरर की बात करें, तो कोई भी आपको वाइपर डिफॉगर देखने को नहीं मिलता है। हाई स्टॉप मार्ट लाइट देखने को आपको मिल जाएगी। टेल लाइट सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको हेलोजन बल्ब के साथ टेल लाइट सेक्शन देखने को मिल जाएगा, प्लस 2 पार्किंग सेंसर एंड 2 रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। बूट की बात करते हैं, चलिए ओपन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका टेल गेट है, इसमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों आपको यहाँ मिलता है चाइल्ड लॉक सेफ्टी। एंड अगर दोस्तों बूट की बात करते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप से 7 सीटर वेरिएंट है। आप सीट फोल्ड भी कर सकते हैं, सीट को नॉर्मल रख भी सकते हैं। बूट इसमें आपको दोस्तों मिलेगा 384 लीटर का बूट स्पेस। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों कुछ इस टाइप से आपका व्यू आएगा, 7 सीटर वेरियंट है दोस्तों आपका ये। चलिए बंद करते हैं इसका टेल गेट। तो चलिए दोस्तों ड्राइवर साइड गेट ओपन करके देखते हैं। एंड जैसे आप ओपन करेंगे, आपको जो डोर पैनल मिलता है, वो आपको बेज कलर का मिलता है। एंड इसमें आपका टोटल हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है दोस्तों। एंड ये आपका डोर ओपनर प्लस ग्रैब हैंडल एंड स्पीकर रिप्लेसमेंट बोटल स्पेस। एंड सीट की बात करते हैं, तो आपको इसमें नॉर्मल सीट मिल जाती है, यानी लेदरेट प्लस। इसमें आपको सीट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों ये आपका रहता है मैनुअल वेरियंट। सो दोस्तों अभी हम गाड़ी के अंदर हैं। एंड बात करते हैं दोस्तों अगर इसके डैशबोर्ड की, तो आपके सामने इसका दोस्तों ड्यूअल कलर का डैशबोर्ड रहता है, ब्लैक एंड बेज कलर का। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, नॉर्मल से आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इसमें कोई भी आपको लेदरेट काम नहीं मिलेगा एंड कोई भी आपको कंट्रोल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। नया आपको महिंद्रा का नया लोगो देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों साथ में अगर इसके बात करते हैं क्लस्टर की, तो आपके सामने इसका क्लस्टर रहेगा, देखने में जो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दोस्तों लेफ्ट साइड की बात करें, तो RPM मीटर, टैकोमीटर, राइट साइड स्पीडोमीटर है, बीच में दोस्तों आपको डिस्प्ले मिलती है। एंड बहुत अच्छी बात दोस्तों, इसी गाड़ी में आपको TPM मीटर भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत शानदार है। एंड दोस्तों आपको 5 के 5 टायर में आपको TPM मीटर देखने को मिल जाएगा।
एंड बाकी चीज़ यहीं पर आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। यहाँ से दोस्तों आप इसके वगैरह मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, कुछ उस टाइप से इको मोड पर जा सकते हैं। ये देखिए इको मोड ऑन हो गया है। इसके सेंटर की डैशबोर्ड की तो इसमें आपको कोई टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है और ना ही कोई आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इजी बैंड की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, प्लस ऊपर आपको स्पेस मिल जाएगा कुछ भी सामान रखने के लिए। एंड दोस्तों बीच में आपको हजार्ड का ऑप्शन, या आपको एसी की बात करें तो मैनुअल एसी आपको देखने को मिल जाएगा। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, प्लस यहाँ दोस्तों ये आपका 4x4 का वेरिएंट नहीं है, 4x2 का है। एंड दोस्तों आपका ये रहेगा 5 स्पीड मैनुअल कार। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं इसके पावर विंडो कंट्रोल्स की तो आपको सेंटर में इसके कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपको इन चाइल्ड लॉक का ऑप्शन या थोड़ा सा स्पेस। एंड दोस्तों एंड यहाँ आपको 2 कप ग्लास होल्डर, प्लस दोस्तों सीट की बात करते हैं तो आपको इसमें लेदर सीट देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों आपको ग्लव बॉक्स एंड दोस्तों बाकी आपकी विंडस्क्रीन प्लेसमेंट। एंड अगर मिरर की बात करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ से इस डंडी की मदद से ऐसे आपको मिरर सेट करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं ऊपर की तरफ। मिरर की बात करें तो आपका मिरर दोस्तों रहेगा वो आपका रहता है बिल्कुल मैनुअल। तो सनवाइजर की बात करें तो जो इसमें आपको क्वालिटी मिलती है बोलेरो से तो अच्छी मिलती है, प्लस दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है एंटी मिरर देखने को। ड्राइवर साइड की बात करें तो उसमें आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों बाकी आपकी नॉर्मल सी रूफ रहती है बेज कलर की, यहीं दोस्तों आपको मिल जाते हैं ट्विटर की प्लेसमेंट कह सकते हैं आपको ट्विटर की प्लेसमेंट। सो कुछ इस टाइप से रहता है आपका इसमें इंटीरियर। अगर आपको अच्छा लगा हो इंटीरियर तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करना, एंड ये भी बताना कि आप कौन सी गाड़ी अभी ऑन करते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी की मेटल सीट की, तो जो उसका थाई सपोर्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा है, एंड मतलब काफ़ी अच्छा खासा थाई सपोर्ट दिया गया है। तो बात करते हैं अगर इसके रिक्लाइन एंगल की तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा रिक्लाइन एंगल देखने को मिल जाता है, प्लस इसमें आपको जो सीट मिलती है वो आपको बेंच टाइप की सीट मिलती है। एंड हेडरेस्ट की बात करते हैं तो वो आपके रहते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोस्तों, इसमें आपको कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मिडिल वाले पैसेंजर के लिए दोस्तों एसी वेंट की प्लेसमेंट आपको दी नहीं गई है, यानी उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा जो आपको फ्रंट में डैशबोर्ड में एसी की प्लेसमेंट दी गई है। प्लस दोस्तों बात करते हैं अगर इसके पीछे वाले पैसेंजर के लिए तो आपको कुछ इस टाइप का इसमें स्पेस वगैरह देखने को मिल जाता है, एंड ऊपर आपको ग्रे बंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, एंड बीच में आपको कोई भी रीडिंग लैंप्स देखने को नहीं मिलते हैं। सो दोस्तों कुछ इस टाइप से रहता है इस गाड़ी का इंटीरियर, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वहीं दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन बे की, तो ये काफ़ी होच पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, नीट एंड क्लीन नहीं है। ये गाड़ी आपको 1.5 लीटर 3 सिलेंडर 100 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है, 216 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है। वहीं दोस्तों बात करें इसके आपके बोनट की तो उसमें आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, इससे आपका नॉइज़ थोड़ा कम हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना, एंड जुड़े रहें हमारे साथ और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।